हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम रामानुजाचार्य की एक छोटी सी लीला देखेंगे। एक बार रामानुजाचार्य तिरुपति जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने दो शिष्यों को उधर एडवांस पार्टी करके भेजा। उधर तिरुपति में उनके रामानुजाचार्य के दो शिष्य गृहस्थ वहाँ पर रहते थे। तो रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि किसके पास जाना चाहिए, किसके पास रुकेंगे वहाँ पर तिरुपति में। तो उन्होंने ये दो उनके जो शिष्य थे उनको भेजा श्रीरंगम से तिरुपति एडवांस पार्टी देखने के लिए कि किसके पास रुकना चाहिए। तो ये दो शिष्य सबसे पहले एक पहले शिष्य के पास गए, जहाँ पे वो बहुत ही धनी थे, बहुत ही बड़ा उनका घर था, विशाल घर था, बहुत सारा संपत्ति था उनके पास, ये पहले जो शिष्य थे उनके पास जो तिरुपति में रहते थे। तो ये रामानुजाचार्य के जो एडवांस पार्टी सबसे पहले वहाँ पे गई और उनको बताया कि जल्दी ही रामानुजाचार्य यहाँ पे आ रहे हैं, जो आपके गुरु है तिरुपति आ रहे हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए, तो वो आपके यहाँ रुक सकते हैं क्या। तो जब वो शिष्य ने सुना कि रामानुजाचार्य मेरे गुरु महाराज साक्षात यहाँ पे आने वाले तिरुपति में, तो बहुत खुश हो गए और नाचने लगे, जय घोष करने लगे और तैयारी में जल्दी से जल्दी तैयारी में लग गए। लेकिन ये दो जो शिष्य थे जो उन्होंने मैसेज लाया था रामानुजाचार्य के, उनके पास उन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं, उनको पूछा नहीं कि आपने प्रसाद लिया है, पानी चाहिए कुछ, उनका आदर तिथ्य नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया, तैयारी में लग गए। तो ये दो शिष्य बोले ठीक है, वो आ गए। और फिर वो दूसरे शिष्य के पास गए जो कि काफ़ी गरीब थे और उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं था। तो उनके पास वो गए और उनको बताया कि रामानुजाचार्य इधर जल्दी से जल्दी आने वाले तिरुपति में, तो वो आपके यहाँ रुक सकते हैं क्या। तो वो जो गरीब शिष्य थे इतने खुश हो गए कि रामानुजाचार्य साक्षात आने वाले, तो बहुत खुश हो गए। और जो ये दो शिष्य उनके आए थे एडवांस पार्टी में, उनका भी अच्छे से ख्याल किया, उनको प्रसाद दिया, उनको बिठाया, उनसे उनका अच्छे से आदर तिथ्य किया। और फिर ये दो शिष्य बाद में आ गए रामानुजाचार्य के पास। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि दोनों का क्या रिस्पांस था। सबसे पहले वो जो बहुत ही अमीर शिष्य है उनके पास गए और जो गरीब है उनको दोनों का रिस्पांस क्या था। तो इन दोनों ने बताया कि जो पहले शिष्य तो बहुत ही अमीर था, उनके पास जब हम गए तो उन्होंने वो बहुत खुश हो गए आपका जो न्यूज़ सुन के कि आप आने वाले। लेकिन फिर रामानुजाचार्य पूछे लेकिन आपका कैसा उन्होंने स्वागत किया, आपके बारे में क्या, आपको क्या बोले वो, आपका कैसा आदर तिथ्य किया। तो बोले तो वो भूल गए वो, क्योंकि वो इतने खुश थे तो वो उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं, ठीक है। और दूसरे शिष्य ने जो गरीब था, उस शिष्य ने बहुत अच्छे से बर्ताव किया, हमें प्रसाद दिया, हमको सब कुछ दिया उन्होंने, और वो भी बहुत खुश है आप उधर आने वाले करके। तो रामानुजाचार्य ने सोचा देखिए जो पहला शिष्य है वो जो बहुत अमीर है, उन्होंने आपकी अच्छी से सेवा नहीं की, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। मैं जो दूसरा शिष्य है जो गरीब है लेकिन उन्होंने आपकी अच्छी से सेवा की, उसके पास मैं जाऊँगा। तो रामानुजाचार्य बाद में डायरेक्ट तिरुपति जब जाते हैं तो उस शिष्य के पास नहीं जाते जो बहुत ही घमंडी था, वो थोड़ा सा उन्होंने वो अमीर था, उन्होंने रामानुजाचार्य के जो शिष्य उनका सेवा नहीं किया। तो इसीलिए रामानुजाचार्य वो दूसरे शिष्य के पास जाते हैं जिनका नाम था वरद आचार्य। तो वरद आचार्य जो थे वो बहुत ही गरीब थे, उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी, और वो और उनकी पत्नी लक्ष्मी दोनों रहते थे। तो जब रामानुजाचार्य उनके घर पर गए तो वरद आचार्य घर पर नहीं थे, बाहर गए थे कहीं, तो और उनकी पत्नी थी लक्ष्मी। तो उन्होंने देखा कि रामानुजाचार्य साक्षात आए हैं तो बहुत खुश हो गए, लेकिन उनके पास घर में कुछ भी नहीं था रामानुजाचार्य की सेवा करने के लिए, उनके प्रसाद के लिए बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी धन संपत्ति नहीं थी। तो उन्होंने सोचा अभी क्या करूँ, रामानुजाचार्य साक्षात आए, उनको कुछ तो बना के भोजन देना चाहिए। तो वो बोलते हैं रामानुजाचार्य को आप बैठिए करके, उनके शिष्य बाकी के भी आए रहते हैं, उनको अच्छे से उनसे बात करती है और फिर क्या करती है, वो बोलती है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए अच्छा सा भोजन बनाऊंगी तुरंत। तो रामानुजाचार्य वगैरह वहाँ पे आराम करते हैं, तो वो अंदर जाके देखती है किचन में कुछ है नहीं, तो बहुत चिंताग्रस्त होती है और वहाँ पे वरद आचार्य भी नहीं होते। तो लक्ष्मी सोचती है क्या करना चाहिए। तभी उनके मन में एक आइडिया आती है, उधर उस जगह पे उनके घर के बाजू में ही उधर एक वो बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था जो कि इस लक्ष्मी के पीछे रहता था हमेशा, वो बहुत चाहता था इस लक्ष्मी को और वो उनके साथ संभोग करना चाहता था। लेकिन लक्ष्मी क्योंकि वो पतिव्रता थी, वो कभी भी इस व्यक्ति को कुछ भी उनसे बात नहीं करती थी, उसके बारे में सोचती नहीं थी। लेकिन अभी उसने लक्ष्मी ने सोचा कि इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए क्योंकि अभी मुझे मदद चाहिए, अभी मुझे पैसा चाहिए। तो वो लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास जाती जो कि वो धनी था और लक्ष्मी के पीछे था। तो लक्ष्मी उनके पास जाती और बोलती है कि मुझे आपसे मदद चाहिए, मेरे गुरु महाराज आए हैं घर पे, उनके लिए मुझे अच्छा सा भोजन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो और मैं आपकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगी। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है, बहुत खुश होता है, वो अमीर व्यक्ति था, तो बोलता है ठीक है मैं आपके लिए जो चाहिए मैं मंगा लेता हूँ,
सब भोजन की सामग्री मैं देता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए आज रात को। तो लक्ष्मी बोलती है ठीक है। तो फिर सारा सामग्री वो पहुँचा देता है व्यक्ति घर पे, लक्ष्मी के घर पे, वरदाचार्य के घर पे। और फिर लक्ष्मी बहुत अच्छा सा भोजन बनाती है, और उस समय वरदाचार्य भी आ जाते हैं और दोनों अच्छे से सर्विंग करते हैं रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य और उनके शिष्य बहुत अच्छे से भोजन करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और बाद में वरदाचार्य बाद में लक्ष्मी को पूछते हैं कि कैसे क्या इतना सारा सामग्री कैसे लाया, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, इतना सारा सामग्री भोजन आपने कैसे बनाया। तो फिर वो लक्ष्मी सारा कहानी बताती है। और फिर वरदाचार्य सोचते हैं कि लक्ष्मी तुमने बहुत अच्छा चीज़ किया, गुरु महाराज की सेवा के लिए आपने सबसे बड़ा बलिदान किया है। तो फिर लक्ष्मी सोचती है कि अभी क्या करना चाहिए। तो दोनों वरदाचार्य और लक्ष्मी जाके रामानुजाचार्य के पास जाते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने इतना भोजन की सामग्री लाई, जो एक व्यक्ति है जो उसके पीछे है, लक्ष्मी के पीछे, और वो रात को मिलना चाहता है, उनसे संभोग करना चाहता है, ऐसे वो लक्ष्मी रामानुजाचार्य को बताती है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं चिंता मत करो लक्ष्मी, आप जाओ उसके घर पर आज रात को, और ये जो है मेरा महाप्रसाद, रामानुजाचार्य खुद का महाप्रसाद देते हैं लक्ष्मी को और बोलते हैं ये प्रसाद उस व्यक्ति को दे देना। तो फिर लक्ष्मी उस रात जाती है उस धनी व्यक्ति के पास और रामानुजाचार्य के जो महाप्रसाद है वो लेके जाती है। और जब वो व्यक्ति देखता है लक्ष्मी को तो बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि इतने सालों की इच्छा मेरी आज पूरी हो जाएगी। तो लक्ष्मी सबसे पहले महाप्रसाद देती है उस व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति जब महाप्रसाद खाता है रामानुजाचार्य का तो उसका मन तुरंत बदल जाता है और वो व्यक्ति लक्ष्मी को एक माँ के जैसा देखता है और तुरंत लक्ष्मी को दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैंने तुम्हारे तरफ इस नज़रिए से देखा। तो तुरंत लक्ष्मी से माफ़ी मांगता है और फिर रामानुजाचार्य के पास मिलने को जाता है और वो भी रामानुजाचार्य के शरण आता है और रामानुजाचार्य का बड़ा शिष्य बनता है। तो बाद में फिर रामानुजाचार्य को फिर बाद में ये जो धनी दूसरा जो शिष्य होता है तिरुपति में, उसको पता चलता है कि रामानुजाचार्य मेरे पास नहीं आए। तो उसको कारण पता चलता है कि मैंने उनके जो सेवक थे उनकी सेवा नहीं की। फिर वो पछताता है, रामानुजाचार्य के पास आके माफ़ी मांगता है। तो इस कहानी से हम सीखते हैं महाप्रसाद की शक्ति, जो शुद्ध भक्त है उनका जो महाप्रसाद है उसकी शक्ति देखते हैं। रामानुजाचार्य का जो महाप्रसाद है उसके कारण ये व्यक्ति का पूरा मन बदल गया। और दूसरी सीख सीखते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, दास दास दासानुदास बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु महाराज आए मैं गुरु महाराज की सेवा करूँगा, उनके जो सेवक है उनकी सेवा नहीं करूँगा। नहीं, जितना हम दास 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 दासानुदास बनते हैं उतने गुरु महाराज प्रसन्न होते, उतने ही भगवान प्रसन्न होते। ये हम दो सीख इस लीला से सीखते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।